नमस्कार, कैपिटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। देश की रक्षा करने के लिए खुशी खुशी मौत को गले लगाते हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय सेना के जवान कहलाते हैं। जवानों की शहादत के बाद पीछे उनका हंसता खेलता परिवार छूट जाता है, लेकिन परिवार का अगर कोई सदस्य शहीदों की राह पर चलने का फैसला लेता है तो पूरे देश को उस पर गर्व होता है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी ने भारतीय सेना में शामिल होकर। देखिए ये रिपोर्ट। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ जाते हैं, किसी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ जाते हैं। भारत माँ की गोद में सोने के लिए अपनी माँ की बाहों को हमेशा के लिए तरसता छोड़ जाते हैं। देश की रक्षा के लिए ऐसे ही कई जवान खुशी खुशी शहादत को गले लगा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हुआ पुलवामा अटैक आज भी हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की शहादत का मंजर भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उनकी पत्नी नीतिका ढौंडियाल ने ना उस वक्त हार मानी थी और ना आज उनके हौसलों में कोई कमी आई है। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद अब वह लेफ्टिनेंट नीतिका ढौंडियाल बन गई है। आपको बता दें कि 18 फरवरी 2019 को मेजर ढौंडियाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एक एनकाउंटर में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद ही पुलवामा के पिंगलान गांव में आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। पिंगलान में हुए इस एनकाउंटर में 4 सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीदों में मेजर रैंक के ऑफिसर विभूति ढौंडियाल भी शामिल थे। वहीं मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की शहादत के बाद जब उनका शव उनके घर पहुंचा तो पत्नी निकिता उन पर गर्व किए बिना नहीं रह सकी। मेजर ढौंडियाल के शव के पास भावुक खड़ी निकिता ने अपने पति को सैल्यूट करते कहा था, आपने मुझसे झूठ कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप मुझसे नहीं बल्कि अपने देश से ज्यादा प्यार करते थे और मुझे इस बात पर गर्व है। उसी दौरान नीतिका ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह कोई बेचारी नहीं है बल्कि एक बहादुर शहीद की पत्नी है और उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है। निकिता कौल ने ऐसी मिसाल पेश की कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वहीं उनके ससुराल वाले और नीतिका के परिवार वाले भी अपनी बेटी के इस फैसले पर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि बेटे की शहादत के बाद नीतिका के सेना ज्वाइन करने पर उनको गर्व है और वे जरूर अपना और देश का नाम रोशन करेंगी। ना इंतजार करो इनका ए अजादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को फिर घर नहीं आते। शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की शहादत से पूरे देश में मायूसी छा गई थी, लेकिन अब उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका ढौंडियाल ने उनकी इस शहादत के बदले खुद इंडियन आर्मी ज्वाइन करके एक नई मिसाल कायम की है। कैपिटल टीवी की ओर से उनके इस जज्बे को सलाम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।